दोस्तों नमस्कार। हम हकलाने वाले और हमारे कई स्टीमर भाई अक्सर ये सोचते हैं कि हम रातों रात कोई दवाई खा लें और ठीक हो जाएं, और कोई दवाई का सपना देखते रहते हैं। और उसमें से दोस्तों एक है आंवला, और आंवला आयुर्वेद में स्टीमरिंग के लिए वरदान साबित हुआ, ऐसा लिखा हुआ है कई किताबों में, और हमने भी रीड किया है किताबों को। आप भी रीड किए होंगे या वीडियो देखे होंगे या गूगल में सर्च किए होंगे कि आंवला हकलाने के लिए एक अच्छा आयुर्वेद दवाई माना गया है। तो दोस्तों आइए आज हम आंवला के बारे में बताते हैं आपको। और मैं सोचता हूं कि वो सारी दवाइयां जो आयुर्वेद में लिखी हुई हैं स्टीमरिंग के लिए, उसकी सच्चाई बताएँ आपको। तो जो फर्स्ट है, जो फेमस आंवला है, तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कि आंवला होता कैसा। वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन आंवले का पेड़ हमारे यहाँ भी एक बहुत दिनों से है, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आंवला होता कैसा है और इसमें फल कैसे लगते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आंवला है, ये सामने आपके आंवला दिख रहा होगा, और इसमें बहुत सारे आंवला ऑलरेडी लगे हुए हैं, और ये आंवला का एक पूरा पेड़ है। ये देखिए बहुत सारे फल लगे होंगे आंवला का, ये देखिए ये ऐसे फल लगे हैं। और दोस्तों आयुर्वेद में ये रियल में एक अमृत माना गया है। ये देखिए ये मैं आपको एक तोड़ के आंवला लाया हूँ अभी, और ये ऐसा आंवला होता है, ताज़ा आंवला है। कहते हैं कि आयुर्वेद में जो आंवला होता है तो वो अमृत होता है, और 56 रोगों का इलाज होता है आंवला। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस प्रकार से आंवला होता है, और दोस्तों मैं भी काफ़ी दिनों तक इसका यूज किया हूं, और इससे मेन फ़ायदा ये होता है आंवला से कि हमारा दिमाग अच्छा रहता है, बीपी नहीं बढ़ता है, शुगर नहीं बढ़ता है, पाचन संस्थान बढ़िया रहता है। तो यदि आप आंवला खाते हैं तो आपकी स्टीमरिंग इम्प्रूवमेंट हो या ना हो, लेकिन आपकी हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रहेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा आपको कि पर डे आंवला खाइए, तो स्टीमरिंग कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन जो आपका बॉडी है वो बहुत बढ़िया रहेगा, और ये आंवला आप पर डे खाइए, हेल्दी रहेगा। मैंने ये बहुत साल तक खाया है, और मेरा भी दिमाग जो है ना हेल्दी है, और स्टीमरिंग भी काबू में है। तो स्टीमरिंग के लिए ना सही, स्टीमरिंग ठीक होगी तो अच्छी बात है, ना होगी तो भी अच्छी बात है, लेकिन आप हेल्दी रहेंगे तो मुझे लगता है कि आंवला खाइए। ठीक है, धन्यवाद।